जनरल एक सवाल ही पैदा होता है कि अगर कमिंग बैक टू हमारा जो है कि ये फिर लव अल्लाह ताला से अगर हमने डेवलप करना है, सो व्हाट शुड वी डू देन? मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं या हमने खुद अगर करना है, तो मैं पर्सनली ना, फॉर मी आई बिलीव कि किसी से आप जो मोहब्बत करते हैं ना, तो उसकी कंडीशन ये है कि यू शुड नो के हु इज़ दैट पर्सन या हु इज़ दैट बींग जिसे आप मोहब्बत करें. हम अगर नबी सल्लम से मोहब्बत का दावा करें ना, एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, सो वी कांट लव हिम. इट्स इम्पॉसिबल. आपको मैं कहूँ ना, एक फलाना बंदा है, अहमद उसका नाम है, उससे आप मोहब्बत करें, तो मैं कैसे मोहब्बत करूँ? कौन है, क्या करता है? कोई देयर नीड्स टू बी समथिंग अबाउट दैट पर्सन और दैट बींग जिसकी वजह से हम उससे मोहब्बत अटैचमेंट हो, करें. बिल्कुल. सो अल्लाह सुभान व तआला के बारे, अगर अल्लाह से हमने मोहब्बत करना चाहते हैं ना, तो वी शुड द फर्स्ट थिंग इज वी शुड नो हु अल्लाह सुभान व तआला इज. मैं कल बच्चों को ना एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे रहा था बोर्ड पे. मैंने सोचा कि मैं ना उनको इसरा वल मेराज का ना वाकया जरा बोर्ड पे अपने तरीके से इलस्ट्रेट करके समझाता हूँ. और ऑब्वियसली जब बच्चों को समझाते हो आप थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाते हो, चीज़ों पे फोकस करते हो, जंप्स मारते हो, ये करते हो वो करते हो. तो जब मैं उन्हें वो बता रहा था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे गए, बुर्राक में मैंने सारा बताया कि बुर्राक कैसा जानवर है, उसकी कैसी स्पीड होती है, जहाँ तक नज़र होती है अगला स्टेप वहाँ होता है उसका, इतनी स्पीड होती है. मेरा बेटा पूछता है H2R से भी ज़्यादा होती है? मैंने हाँ जी H2R से भी ज़्यादा होती है. तो वो मैं जब बता रहा था ना कि पहले वो इसरा की तरफ सफ़र था 1200 किलोमीटर का तकरीबन, और उसके बाद टूवर्ड द स्काई, ठीक है, फर्स्ट स्काई, सेकेंड स्काई, थर्ड स्काई, फोर्थ स्काई, यू करते करते जब मैं बना रहा था ना, तो आई कुड फील माई हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, यू नो, कि वो एक चीज सी फील हो रही थी मुझे, यू नो. और फिर सेवन स्काई, उस पर वो अंबिया मिले हैं डिफरेंट, और फिर सिदरतुल मुंतहा, और फिर एंजल का रुक जाना वहाँ, यहाँ से आगे हमें अलाउड नहीं है, यहाँ से आगे अल्लाह सुभान ताला, फिर अल्लाह ताला के साथ मुलाकात, जन्नत देखना, जहन्नुम देखना, और फिर वो नमाजों का गिफ्ट, और वापस आना. वो जब मैं चीजें बता रहा था ना, तो उनको तो छोड़ो, मेरे ऊपर अपने ऊपर वो कैफियत तारी हो रही थी, बिकॉज ऑफ दैट प्लेस. कैसा मुकाम था ना जिस पे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया. एट द टाइम ही वाज गोइंग थ्रू दोज टफ टाइम्स, यू नो, उनके चचा भी अबू तालिब भी, वो भी वफात पा गए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन पे भी वो हो गया, वो उनका बॉयकॉट चल रहा है, तो अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया तसल्ली देने के लिए. और कितना जबरदस्त सफर जो है ना वो था. आप सर, तो वो ग्रैंडर है ना अल्लाह ताला का, उससे जाहिर होता है. मतलब इतना आसानी से हम कह सकते हैं ना कि सफर था सेवन हेवंस. मतलब एक हेवन इज ऑल दैट वी नो इस वक्त, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उसको भी हम आगे जा नहीं सकते क्या उसको. और एक हेवन से दूसरे हेवन तक का सफर आता है 500 ईयर्स. इन व्हाट स्पीड अल्लाह वाला. गुरु नासा जेम्स वेब की टेलीस्कोप ने जब इमेज ली और पिक्चर ली, द वर्ल्ड वाज बैफल्ड. Bro, that is not even 1% of the universe, यार. हाँ, ये आपके seven heaven के first heaven के अंदर ही जो कुछ हमें थोड़ा बहुत जो मिला है ना, वजू ये समय दुनिया बिजीनत लग के वहाँ के हमने आसमान दुनिया को सजाया छोटे छोटे मूर्तियों से, यानी अब तो ऊपर क्या है. There are doors. सूरह नजम जो है ना, सूरह नजम जिसमें सारा आता है, माँ कहता है बल फुआ तो माँ रहा, और फिर जो यानी फगशा हा मा गशा. Bro, अजायब वल्लाह. ये जो हाजी सूरह, I love this surah, surah Najm jo hai. Yani it is so vague and it is so generic ke Allah Taala kya hum jaise nikamo kya batayenge kya tha wahan pe. Sidratul Muntaha aur jo tree tha berry ka, Allah ke minne ke sahab ka ki main tumhe kya bataunga kya tha uske jo shades change ho rahe the aur uske jo branches thi aur jo roots the tumhe kya pata. Aur hum yahan jo different Dubai mein aage piche different colors of buildings dekh ke hum bada wo hote hain na, mesmerized hote hain, you know. Aaj kal to rainbow colors bade chal rahe hain. वो टॉपिक किसी और देते. वैसे मुझे ये जो सूरा है ना, इसमें जो चीज बहुत ज्यादा अमेज करती है वो ये है कि मुशरिकीन सुन रहे थे और वो सजदे में चले गए आखिर में. अल्लाह के नबी सल्लम पढ़ रहे हैं ये सूरा, दे आर मुशरिकीन, दे आर सो मेस्मराइज्ड विद व्हाटएवर जेम्स इट हैज बेसिकली. और जब वो एंड होती है आखिर में उसके सजदा है, दे ऑल वेंट इनटू प्रोस्ट्रेशन नॉट नोइंग, और फिर हड़बड़ा के उठे कि ये हमने क्या कर दिया गलती से. अमेजिंग मैन. मुसलमान सजदे में नहीं जाते हैं, यानी उनके दिल पहले सजदे पे गए थे फिर वो बाद में गए. हाँ. हम खुद चले जाते सजदे में अगर हमारा दिल सजदा नहीं करते. एक्चुअली वही बताए थे ना ब्रदर अलवी कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे रब हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं. कि एक हदीस में आता है कि देयर वाज दिस वुमन, शी वाज द प्रिजनर ऑफ वॉर, तो ना इधर उधर बड़ा घूम रही थी. शी वाज बेसिकली लुकिंग फॉर हर चाइल्ड. तो होता क्या है कि हर बच्चे को ना ऐसे पकड़ लेती थी. शी वॉज अज्यूमिंग कि ये मेरा बच्चा होगा. एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही टुक द अपॉर्चुनिटी, सहाबा इकराम भी साथ में ही थे, कहते हैं कि ए मेरे सहाबा,
ये अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। तो सहाबा कराम ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है अपने बच्चे से। तो रसूलुल्लाह ने बताया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इस माँ से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंकना पसंद करेगी? या रसूलुल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों को जहन्नम की आग में फेंकना पसंद नहीं करते। एंड सुभान अल्लाह, यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह ताला की मर्सी कितनी है। अब देखें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ ही करती है अपने बच्चे से। तो यहाँ से एक आप ये कह लें कि ग्लिम्स हमें मिलती है, इलैबोरेशन, कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और माँ की मोहब्बत, देयर इज नो कंपैरिजन व्हाटसोएवर। और हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा ना काफ़ी जो है डाइवर्ट हो जाते हैं, एंड वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट जहन्नम, जहन्नम यहाँ पे हमें जलाया जाएगा। एक्चुअली बेसिकली वो हमारे ही आमाल हैं। इतनी हकीकत, बड़ी हकीकत है, जैसे आपने बात की यू नो देयर इज फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, और फिर इतने अजाइब हैं, इतनी हिकमतें हैं। अल्लाह ताला ने कितनी निशानियां छोड़ी हैं हमारे लिए कि फ़फ़िरू इलल्लाह, फ़फ़िरू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ आओ। वो असल लव है, यानी असल मोहब्बत है। इवन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह भी कहते हैं कि द ट्रांसपोर्टेशन जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला द कैटलिस्ट्स आर थ्री, लव, फियर एंड होप। ये तीनों हम दुनिया में एज अ कैटलिस्ट प्ले करते हैं टू बी क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहु व तआला। बट फियर और होप ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा, असल लव बाकी रहेगा। फियर और होप जन्नत में ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ द लव दैट इज़ रियल, जो असल है ना वो मोहब्बत है।